अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा जाएगा उत्कृष्ट विद्यालय छात्र छात्राओं के द्वारा स्वीप गतिविधियों को लेकर सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत करने का शुरू उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राएं अपनी प्रस्तुति देने का कष्ट है। जनता भी तैयार है, देश के कई नागरिक पावर से अनजान है, देश के कई नागरिक पावर से अनजान है। चामुंडा कहलाओगी और चामुंडा देवी का वास हमारे यहाँ है। जब विक्रमादित्य थे तो विक्रमादित्य उज्जैन से प्रतिदिन हमारे देवास में आके माता रानी के दर्शन करके अपने जीवन की शुरुआत करते थे। ऐसा मेरा देश के अंदर देवास है और इस देवास की एक सबसे बड़ी विशेषता है जिस हमारे क्षेत्र में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है। तो आज के दिन मेरा टॉपिक है हमारे मध्य प्रदेश हमारे देवास का इतिहास, उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो देवास है उसका सबसे पहले नाम के बारे में बहुत सारे इशू।
ईमानदार सरकार चुनने के लिए हमें वोट देना पड़ेगा। अरे पर ये तो बताओ वो कौन दे सकता है? जो भारत देश का नागरिक हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे। मरियम को बीच में रखवा दो। नूतन हाई सेकेंडरी स्कूल से संजोगे पति मंच पर आए। वो सभी पूरे किए। अरे क्या भाई कुछ भी, वो नेता तो एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, बस झूठे वादे कराते जीतना चाहता था। अरे बस छोटे मोटे काम ही तो किए, गरीबी और बेरोजगारी तो अभी भी है, उसका क्या? अच्छा भाई लोग क्या सुरक्षा? मेरा वोट शिक्षा को, मेरा वोट ही क्षेत्र के विकास को, कार्यालय में पधारे हुए सभी सम्माननीय अधिकारियों को, साथियों, शिक्षक साथियों, कर्मचारी साथियों, पत्रकार बंधुओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। के इस कार्यक्रम में आपको परिचय दे रहा हूँ। देवास एक ऐसी जगह है जहाँ पर आध्यात्मिक पौराणिक कथाएं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है देवास। यदि हम बात करते हैं हमारे पास राघोगढ़ की, स्थापना दिवस से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को आज स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि हम जानते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है, तो आज का स्थापना दिवस भी देवास ज़िले में जो मनाया गया है यह पूर्ण रूप से स्वीप संबंधित था। जनता को 17 नवंबर को घर से निकलकर एक नैतिक मतदान करने के लिए आज प्रेरित किया गया है। इस सफल आयोजन के कार्यक्रम के लिए मैं DO साहब को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।